आज हमने वकील एलन परासर और कुछ अन्य पत्रकारों ने बाबा सूरदास कॉलोनी नियर सेक्टर 91 पार्ट 1 तिलपत रोड पर स्थित सरकारी स्कूल का दौरा किया, लेकिन ये क्या, सरकारी स्कूल के बोर्ड पर अंश लेडीज टेलर का बोर्ड लगा है। जी हाँ, इस स्कूल पर कब्जा कर लिया गया है, कुछ नेताओं ने कब्जा करवा दिया है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती बल्कि एक परिवार गुजारा करता है। देखिए क्या कहते हैं वकील एलन परासर। परासर जी कहाँ आए हैं आप? हम आए हैं 91 सेक्टर, ये प्राइमरी स्कूल है। ये स्कूल है लेकिन यहाँ पर स्कूल जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं है, खंडर बना रहा है। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन की कमी की वजह से यहाँ के बच्चे सेहतपुर पढ़ने जाते हैं और वो स्कूल भी खंडर हुआ है, जो आपके माध्यम से हमने दिखाया था। और उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी लाइफ को पूरा खतरा है। ये स्कूल एक तरह से सरकार ने पैसे बर्बाद करने की नीयत उससे लगाया, स्कूल का कोई ध्यान नहीं है। आसपास के लोग बता रहे हैं इसमें कोई किराए पर रहता है। यहाँ एक किराए पर रख रखा है और पहले वो बता रहा था मैं सरकारी एम्प्लाईज हूँ, फिर उससे पूछा गया आप सरकार तनख्वाह देती है, तो उसने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया। तो जो ये स्कूल है, ये स्कूल को हम बिल्कुल तैयार करवाएंगे। हमने पीएम सीएम और शिक्षा मंत्री को ये लेटर लिखे हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम हाईकोर्ट के जरिए रिट फाइल करके इस स्कूल को बच्चों के लिए तैयार कराएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 3-4 किलोमीटर दूर यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये स्कूल बने 5 साल से ऊपर हो चुके हैं लेकिन अभी तक स्कूल में बच्चे नहीं आए। स्कूल पर इन महाशय ने कब्जा कर लिया है, ये खुद को चौकीदार बताते हैं, लेकिन जब इनसे आईडी कार्ड मांगा गया और ये पूछा गया कि आपकी सैलरी कौन देता है, तो इन्होंने चुप्पी साध ली। आप ये बता सकते हो आप कोई जैसे आई कार्ड हो या सरकारी एम्प्लॉई जो आप सैलरी कहाँ से मिलती है? सैलरी कहाँ से मिलती है आपको? आप सरकार की तरफ से सैलरी मतलब रोहतास सर देते हैं या सरकार की तरफ से? नहीं नहीं, सैलरी सरकार देती है या रोहतास सर ही देते हैं? हम उन्हीं के अंडर में। नहीं, उन्होंने आपको प्राइवेट रखा हुआ है? प्राइवेट रखा हुआ है, उन्होंने रखा गया नहीं, प्राइवेट रखा हुआ है ना, प्राइवेट हो आप। ठीक है, आप परिवार भी आपके साथ? आपके परिवार आपके साथ रहता है? तोड़ फाड़ इसकी हुई स्कूल की, गेट टूट गए, एक लेटिंग करने लग गए लोग, दीवार टूटना शुरू हो गया, गेट तो उसके लिए आपको देखभाल आपको करने के लिए रखा जाता है। ठीक, प्राइवेट उन्होंने कही कि तो एक कमरा आपके लिए है और मैंने फार्म भर दिया है। ठीक, और तुम्हें यहाँ देख रेख के लिए रखा जाता है, तो यूँ करके सर मैं यहाँ हूँ। ठीक है, और मैं उनसे कहो तो उनसे बात करा दूँ रोहतास सर से? नहीं, हमें जरूरत नहीं है, आपने क्लियर कर दी, इतना ही काफी है। वकील एलन परासर और पत्रकारों ने पूरे स्कूल का दौरा किया लेकिन स्कूल की हालत देखकर सभी लोग हैरान रह गए। मोदी सरकार के मंत्री, खट्टर सरकार के मंत्री, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, चाहे स्थानीय नेता, विधायक, सांसद और मंत्री हों, सबको स्कूल की हालत देखकर शर्म आएगी। आप लोग देखिए किस तरह से स्कूल में गंदगी है। मोदी सरकार और खट्टर सरकार सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों के मामले में सुशासन के कितने भी दावे करें, लेकिन स्कूल की हालत देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों सरकारों में भी कुशासन चल रहा है। शिक्षा मंत्री, अधिकारी, स्थानीय नेता, पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री सब के सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब देखते हैं इस स्कूल की कायापलट कब होती है।